हम बनाने जा रहे कढ़ी, पकौड़े वाली जो कढ़ी होती वो हम बनाएंगे। इसके लिए हमने एक ओनियन चॉप कर लिया है, एक छोटे से ओनियन। इसमें हमने ग्रीन चिली ऐड किया है। अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन, इसको इस तरह से क्रश कर लेंगे, और एक कप बेसन। इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। पकौड़ा फ्राई करने के लिए जैसा पेस्ट बनाते हैं उसी तरह से। इसमें हमने 1 टीस्पून चिली पाउडर भी ऐड किए हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो पहले हम पकौड़े को फ्राई कर लेते हैं, छोटे छोटे, जिस तरह से पकौड़ा फ्राई करते हैं, गोल गोल या राउंड, जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। अब हम कढ़ी का बैटर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम मसाला लिए हैं, ये जीरा पाउडर, चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। ये सारा मसाला एक बाउल में ऐड करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बेसन, 2 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे। अगर ज़रूरत होगा तो बाद में और ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे दही, दही 1 कप के हिसाब से ऐड होगा। अब इसमें पानी ऐड करके इसका एक लिक्विड बैटर तैयार करना है। एक भी लम्स इसमें रहना नहीं चाहिए, तो इसको हम मिक्स करते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। कढ़ाई में हमने ऑयल ऐड किया है। अब इसमें हम डालेंगे हींग, जीरा, और रेड चिली, ठीक है, 3 रेड चिली ऐड कर देंगे। ये हमने ऐड, अब इसमें हम ऐड करेंगे ये बेसन का मिक्सचर जो हमने तैयार करके रखा है। अब ये स्लोली स्लोली ऐड करना है। अब इसको चलाते रहना है जब तक ये बॉईल नहीं हो जाए, ठीक है। ये देखिए ये बॉईल हो चुका है अच्छे से, ठीक है। तो ये पक, मतलब कि जो मसाला डाले या बेसन डाले वो पक चुका है और गाढ़ा भी हो गया है। तो इसमें अब हम पकौड़ा को ऐड कर देंगे। तो अभी पकौड़ा डालने के बाद भी थोड़ी देर ये कुक होगा कि पकौड़े में अच्छे से सारा मसाला जब्त हो जाए, और इसके बाद भी ये ग्रेवी और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा।
ठीक है। तो अभी नहीं, 5 मिनट के बाद इसका नमक भी आप टेस्ट कर सकती हैं, अगर कम है तो फिर और ऐड कर दीजिए। तो ये अभी और कुक होगा इसमें। ये देखिए ये रेडी हो गया है, जो पकौड़ा हम ऐड किए वो भी अच्छा से पूरा ग्रेवी जब्त किया है, अच्छा से पक गया है और ग्रेवी भी हमारा थिक हो गया है। तो इसको अब हम डिश आउट करते हैं, ठीक है।